पिछले कई दिनों से यमुनानगर में गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। टीचरों का आरोप है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही, जबकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि 3 बार गेस्ट टीचर से बातचीत की गई और इस दौरान मांगों को लेकर आपसी सहमति भी बनी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये लोग धरना कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ शब्दों में कह दिया कि नियमों से बाहर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमने तो 3 बार बात कर ली और तीनों बार ही वो सेटिस्फाई होके गए हैं, एक बार भी ऐसा नहीं है कि वो कभी अनसेटिस्फाई गए हो। लेकिन उनकी अब आपसी पॉलिटिक्स है, कुछ लोग उनमें से चाहते हैं कि जो बातचीत हुई वो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी लिख के दो, अभी ऑर्डर करो, इस प्रकार की कोई उनका आपसी विवाद है। हमारा कोई उसमें वो नहीं, आज की बात थी जब उन्होंने कहा कि वो कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आ जाओ, दोबारा बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम हम नियम अनुसार कर ही नहीं सकते तो उसको हम कैसे कर सकते हैं सर। देखिए, बेसिक सैलरी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी ये बात कही थी कि बेसिक सैलरी हम आपको दे ही नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं इसमें अगर कहीं नियम में इस प्रकार का कुछ है तो हम प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने उस दिन भी जवाब दिया था, जिस दिन मैंने इनकी बैठक कराई थी उस दिन भी वहाँ जवाब दिया था। दूसरी बात, इनकी रूल बनाने की थी, रूल हमने बनाए थी, बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमें दिखाए नहीं, जबकि हालांकि डायरेक्टर ने कहा है कि मैंने दिखाए भी नहीं है इनके आदमी को, लेकिन अगर इनकी ऐसी है तो दोबारा फाइल वापस मंगा लेंगे, दोबारा आपका कोई सुझाव है तो उसको हैंड कर लेंगे। उसमें तो कोई बात था नहीं। जहाँ तक कैशलेस की बात है तो कैशलेस की बात भी रेगुलर कर्मचारी के लिए होता है कैशलेस, लेकिन हम उसमें भी तैयार हैं बातचीत करने के। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बातचीत के लिए तो दरवाजे अभी खुले हैं, लेकिन नियमों से हटकर कुछ नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मेरा तो यही मानना है कि सरकार इतना सहयोग कर रही है तो ऐसे में उनको भी सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, इस धरना प्रदर्शन से कोई लाभ है। मेरा तो यही मानना है कि जब सरकार मतलब इतना पॉजिटिव बात कर रही है, सहयोग कर रही है, तो ऐसे में उन्हें भी पॉजिटिव लेना चाहिए। इस प्रकार से धरने प्रदर्शन से मुझे लगता कोई लाभ है, सरकार ने कोई इस प्रकार का बात की ही नहीं उनके साथ कुछ भी। और हालांकि जिस प्रकार से उनको रोजगार की गारंटी दी गई है कि आपको 58 साल तक नहीं टाएंगे, तो मैं समझता हूँ यही सरकार है ऐसी जिसने इस प्रकार का निर्णय लिया। आज से पहले कोई सरकार ऐसी नहीं है। अगर आप देखोगे कि चौटाला साहब के टाइम में लगे एयरपोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, तो हुड्डा साहब ने एक दिन भी रहने दिया उनको, अगले दिन ही टह दिया। लेकिन अभी चाहे हुड्डा साहब की भर्ती थी चाहे दूसरी और किसी की भर्ती थी, जिस प्रकार से कोर्ट ने निकाल दिया, उसके बावजूद भी सरकार ने प्रयास किया कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया रहे, और सरकार ने किया भी है, तो जितना पॉजिटिवली सरकार ने काम किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हमारी सरकार ने गेस्ट टीचरों को रोजगार की गारंटी दी है और आपको 58 साल तक नहीं हटाया जाएगा, ऐसे में धरना करना सही बात नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि गेस्ट टीचरों की मांग पर सरकार का रुख तो साफ है, अब कौन किसके आगे झुकता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।